हर्षद कुमार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज चैनल। पूरा देश में जानलेवा कोरोना वायरस के खतरे से लड़ रहा है, तो वही निजामुद्दीन मरकज में धर्म के नाम पर की गई जमानत में लाखों लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। यह बात कल तक कोई जानता नहीं था, लेकिन आज पूरे देश में बच्चे बच्चे जान चुके। दिल्ली के निजामुद्दीन स्थिति मरकज के शामिल लोगों के देश भर में तलाश तेजी हो रही है। लगातार उनका आंकड़ा बढ़ रहा है। कहीं पर ये संक्रमण पाए जा रहे हैं तो कहीं पे उनको आइसोलेट में भेजा जा रहा है। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में लॉकडाउन से पहले तबलीग जमानत का मरकज हुआ था। यहाँ देश विदेश से तकरीबन 16 देशों में से कई लोग आए थे और हमारे भारत में से भी 19 राज्यों में से लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। करीब 5000 से ज्यादा लोग थे। ज्यादातर लोग मरकज में खत्म होने के बाद अपने अपने घर में चले गए थे, लेकिन 2000 से ज्यादा लोग मस्जिद के बिल्डिंग में ठहरे हुए थे, उनको बुधवार को खाली करवा दिया गया है। निजामुद्दीन मरकज से निकले गए लोगों से 300 से अधिक कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। उनमें से सबसे ज्यादा मामला तमिलनाडु के है, जहां 100 लोग को कोविड 190 पॉजिटिव मिले हैं। मरकज से जुड़ा आंकड़ा 323 तक पहुंच गया है। तमिलनाडु के बाद सबसे ज्यादा 70 लोग आंध्र प्रदेश के हैं, वही दिल्ली के 24, तेलंगाना के 10, अंडमान के 10, असम के 5, पौंडीचेरी के 2 और कश्मीर के 1-1 मामला सामने आया है। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में चल रही मरकज में जमा 2000 से लोग कोरोना से जंग से नासूर बन गए हैं। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस के बावजूद कई देशों में करीब 16 देशों से मलेशिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका जैसे देशों में भारत में से 19 राज्यों में से लोग यहां आए थे। भारत में ओडिशा, हरियाणा, जम्मू, यूपी से बंगाल तक राज्यों में से यहाँ लोग आए थे, जिसमें से 1007 को क्वारंटाइन में रखा गया है और 441 कोरोना का लक्षण दिखाई गया है। गुजरात सरकार भी चिंतित में पड़ गई है। दरअसल दिल्ली के निजामुद्दीन जमानत कार्यक्रम में गुजरात को भी तकरीबन 250 लोग गए थे, वापस आ चुके हैं या नहीं उनका फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, जिसमें गुजरात सरकार को प्रदेश के कोरोना के मामले में बढ़ने का डर सता रहा है। बता जा रहा है कि दिल्ली में निजामुद्दीन जमात कार्यक्रम में सूरत में तकरीबन 72, अहमदाबाद में 35, भावनगर में 13, जूनागढ़ में 5, राजकोट में 4 और राजकोट में 3 शहीद लोग पहुंचे थे। उन सभी लोग को सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन गुजरात सरकार ने बड़ी खुशी की बात है कि सूरत के अंदर जो 72 लोग को ढूंढ निकाला गया है और सरकार ने अपील भी की है जो लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे वो नजदीक में अस्पताल में जाकर अपना इलाज करवाएं।